नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी मिश्रा और मेरे साथ हैं मनीषा शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। धुआंधार प्रचार में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तराखंड में ऋषिकेश और राजस्थान करौली में की जनसभा। कहा भाजपा की मजबूत सरकार ने 10 सालों में तेजी से किए हैं विकास कार्य। अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला और खजुराहो में की चुनावी रैली। मऊगंज में गरजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजस्थान के अनूपगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की जनसभा। नागपुर में मायावती की चुनावी रैली। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसा, जीएल पब्लिक स्कूल की बस पलटी, 5 बच्चों की मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर जताया शोक। बीआरएस नेता के कविता की बड़ी मुश्किलें, सीबीआई ने किया गिरफ्तार। फिलहाल न्यायिक हिरासत में है के कविता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से किया था गिरफ्तार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार बर्खास्त। 2007 में सरकारी अधिकारी को उसको ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में दर्ज हुई थी एफआईआर। नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली एसोसिएट जर्नल लिमिटेड और यंग इंडिया की करीब 750 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने का आदेश बरकरार। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया। अमन और चैन की दुआओं के साथ देशभर में मनाई जा रही है ईद। ईदगाहों में नमाज की विशेष आयोजन, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी शुभकामनाएं। और देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले खबरें 24 की चुनौती की। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर देश भर में चुनाव प्रचार जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के करौली में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 4 जून को क्या परिणाम होगा वो आज करौली में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री ने घोटालों को लेकर कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि कांग्रेस ने पानी में भी घोटाला किया है। कांग्रेस ने पानी में पैसा कमाने का पाप किया, बीजेपी ने उसे सेवा, जिम्मेदारी और जवाबदेही का काम मान करके पूरा किया। आने वाले समय में राजस्थान के घर घर पानी पहुंचेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऋषिकेश में एक चुनावी रैली को संबोधित किया। उन्होंने उत्तराखंड की जनता से भाजपा को समर्थन देने की अपील की। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में बिचौलिए गरीबों का पैसा खा जाते थे। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाई, इसलिए विपक्षी दलों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो गरीब का, नौजवान का पैसा बिचौलिए खा जाते थे। भाजपा सरकार लोगों के हक का पैसा सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर कर रहा है। उत्तराखंड के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का 2600 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा हो चुके हैं। कांग्रेस की सरकार होती
ये सब कुछ लूट जाता, ये लूट मोदी ने बंद की है और इसलिए मोदी पर उनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य प्रदेश के मंडला में एक जनसभा को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि लोकसभा चुनाव में दो खेमे लगे हुए हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी का टीम और दूसरी कांग्रेस की टीम। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की टीम बड़ी है और दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व में कांग्रेस के लोग हैं। मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये जो घमंड या गठबंधन है, इंडी अलायंस है, उनका एकमात्र मकसद है अपने परिवारजनों को आगे बढ़ाने का है और नरेंद्र मोदी जी का एकमात्र लक्ष्य है गरीब आदिवासी दलित पिछड़े समाज के हर व्यक्ति को आगे बढ़ाने का। एक और नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने करोड़ों गरीबों के लिए काम किया और दूसरी ओर अपने परिवार के लिए जीने वाले घमंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोग हैं। ये दोनों के बीच में आपने तय करना है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि घमंडिया गठबंधन को सिर्फ अपने बेटा बेटी भतीजे भाई और बहन के बारे में चिंता है, उन्हें आपके बारे में कोई फिक्र नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आदिवासियों को छलने का काम किया है। अटल जी की सरकार थी, भाजपा सरकार थी, जनजाति कल्याण मंत्रालय बनाने का काम हमारे नेता और स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। नरेंद्र भाई ने बिरसा मुंडा जयंती पर आदिवासी गौरव दिन मनाने की शुरुआत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी लगातार अपने पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटे हैं। राहुल गांधी ने आज राजस्थान के अनूपगढ़ में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल ने कहा कि इस समय देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई है। हिंदुस्तान की जनता से अगर आप पूछें तो वो आपको बताएंगे पहले नंबर पर बेरोजगारी, दूसरे नंबर पर महंगाई। मगर अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया से पूछेंगे या मीडिया को देखेंगे तो आपको लगेगा सबसे जरूरी मुद्दा अंबानी जी की शादी है, उधर आपको विदेश से हजारों लोग आते हुए देखेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को लेकर हमला बोला। उन्होंने कानून की कमियां गिनाते हुए इसका विरोध किया। गुरुवार को ईद उल फितर की नमाज के बाद कोलकाता के रेड रोड पर एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि CAA 2019 राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर NRC और यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC को राज्य स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस के नेता और IT सेल के सदस्य रोहन गुप्ता ने आज भाजपा का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, इससे उन्हें दुख पहुंचा। कोई भी पार्टी हो देश में, भारत देश में विचारधारा के दो मुख्य बिंदु है, एक राष्ट्रवाद की बात हो या एक सनातन धर्म के रिस्पेक्ट की बात हो, यह हर भर भारतीय के दिल में है। आज हम राम मंदिर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आज आप बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हम लोग ऑर्डर का सम्मान करते हैं, आप क्यों नहीं जाएंगे? अगर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का सम्मान करते हैं, कोई नहीं जाने की कोई बात नहीं थी। तो जब तक विरोधाभास रहेगा विश्वसनीयता नहीं रहेगी। प्रशासनिक सेवा की पूर्व अधिकारी परमपाल कौर भाजपा में शामिल हो गई।
उन्होंने कहा कि मोदी जी ने भारत में डिजिटलाइजेशन, महिलाओं और देश के हित में जो सराहनीय कार्य किए हैं उसे देखते हुए वो भाजपा में शामिल हो रही हैं। पिछले 10 सालों से जो भारत ने विकास किया है, बीजेपी के अंडर जो विकास हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का सम्मान बढ़ा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुई है, जो डिजिटाइजेशन हुई है और जो भी महिलाओं के लिए, समाज सुधार के लिए और जो आने वाला प्रोग्राम है बीजेपी का अगले सालों में, अगले 2047 तक जो भारत को एक विकसित देश के रूप में देखने का जो संकल्प है बीजेपी का, उन सबसे प्रभावित होकर मैं ये पार्टी ज्वाइन कर रही हूँ। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और आरजेडी नेताओं में जुबानी जंग जारी है। राजद कैंडिडेट मीसा भारती ने कहा कि अगर चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है, जनता उन्हें मौका देती है, तो प्रधानमंत्री जेल के अंदर होंगे। इस पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचारी जेल में जाएं, न कि प्रधानमंत्री मोदी। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कहेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए डीडी न्यूज। हाँ हाँ देखो जी भर के अपना ही है और अपने ही वोट से बने हैं बड़े बड़े पुल देश भर में। हमारी लाइफ तो निकल गई बेटा, हमारा टाइम तो अटकाना, भटकाना, लटकाना, यही कल्चर होता था। पर तुम लोगों के लिए बड़े काम करने वाला बैठा है। सिर्फ 10 साल की स्पीड देख लो, अटल सेतु से अटल टनल देख लो, चिनाब ब्रिज से बोगीबील ब्रिज देख लो, और इतना करके भी मोदी जी कहते हैं ये तो अभी ट्रेलर है। हमारे सपने पूरा करने की गारंटी मोदी जी की, तो उनको जिताने की गारंटी किसकी? हम बाप बेटी की। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है, 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन करते है ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए SMS या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे एड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा इसके फायदे ये है कि रिस्क कम हो जाता है, और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए नुकसान कम। दादू। हे। नेक्स्ट टाइम ये पिंक ब्रश। योर द लिमिट। लिमिट तो सेट है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। शराबनीस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक और झटका लगा है। उनके निजी सचिव विभव कुमार को विजिलेंस विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव राजशेखर ने यह आदेश जारी करते हुए कहा कि विभव कुमार पर 2007 में सरकारी अधिकारी को उसकी ड्यूटी करने से रोकने और धमकाने के आरोप में FIR दर्ज हुई थी। इसका हवाला देते हुए विभव कुमार की निजी सचिव के तौर पर नियुक्ति को अवैध घोषित किया गया और तुरंत प्रभाव से उनकी सेवाएँ समाप्त करने का आदेश जारी किया। हालांकि इसे लेकर सवाल भी उठता है कि क्या मुख्यमंत्री के निजी स्टाफ को विजिलेंस विभाग इस तरह हटा सकता है। ऑर्डर के हिसाब से विभव के खिलाफ नोएडा में IPC की धारा 353, 504, 506 के तहत एक केस दर्ज है जिसकी जानकारी उन्होंने छिपाई, जबकि किसी प्राइवेट पर्सन की नियुक्ति के समय उसको ये जानकारी सार्वजनिक करनी होती है। के कविता को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार और रिश्वत मामले में भारत राष्ट्र समिति की नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को
सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया था। फिलहाल वे तिहाड़ जेल में बंद हैं और न्यायिक हिरासत में हैं। सीबीआई को राउज एवेन्यू अदालत ने 5 अप्रैल को तिहाड़ में ही उनसे पूछताछ करने की इजाजत दी थी। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तमिलनाडु, कर्नाटक समेत उत्तर भारत में कांग्रेस के लिए अच्छी खबर आ रही है। सिंस द इलेक्शन कैंपेन गियर अप, आवर प्रोस्पेक्ट्स आर इंप्रूविंग ऑल ओवर इंडिया। वी आर गेटिंग रिपोर्ट्स फ्रॉम एवरीवेयर दैट कांग्रेस एंड इंडिया अलायंस डूइंग वेल एवरीवेयर। स्पेशली फॉर केरला यू आर कंसर्न, वी विल स्वीप ऑल द 20 सीट्स। इन माय व्यू we will last time you all rightly tell we lost one seat, this time that also will come to Congress and UDF. Basically Karnataka also earlier situation was not much that much favorable. Now everybody in Karnataka telling situation is very favorable for Congress party. Telangana is favorable, Tamil Nadu is favorable, and North India also very good reports are coming. Kerala ke Kannur jile ke Panur mein ghatit bomb visfot ab rajneetik vivad mein badal gaya hai। 5 अप्रैल को हुई इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने कहा कि अपराध के पीछे कई वरिष्ठ स्तर के सीपीआईएम नेता हैं। उन्होंने इस चुनावी मौसम में असली दोषियों और उनकी मंशा को उजागर करने के लिए एडीजीपी स्तर पर जाँच की मांग की है। Conspiracy behind it. Lot of tall leaders from the CPM party is related with this bomb explosion. There should be a very thorough investigation. I suggest one ADGP level investigation. लोकसभा चुनाव से पहले बसपा प्रमुख मायावती को बड़ा झटका लगा है। बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बसपा ने इस बार बिजनौर सीट से सांसद मलूक नागर का टिकट काट दिया था। उनकी जगह मायावती ने चौधरी बृजेंद्र सिंह को उम्मीदवार बनाया है। चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही उनके बसपा छोड़ने की खबरें आ रही थी, लेकिन बिजनौर से टिकट कटने के बाद अब उन्होंने पार्टी छोड़ दिया है। बीएसपी के इतिहास में ये रिकॉर्ड है कि या तो एक टर्नओवर में कुछ दिनों के बाद निकाल दिया जाता है या पार्टी छोड़कर चला जाता है। हम 18 साल रहे, हमने कई बार कड़वे घूंट भी भरे, चुप रहे, एमएलए नहीं लड़ाया गया चुप रहे, एमपी नहीं लड़ाया गया चुप रहे, स्टार प्रचारकों में भी सूची में नहीं डाला गया चुप रहे, लेकिन देश के लिए काम करना चाहते हैं, देश के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, इसलिए आज मजबूरी में पार्टी छोड़नी पड़ रही है, कहीं नया घर तलाशेंगे। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में दर्दनाक हादसे में स्कूल बस के पलटने से 5 बच्चों की मौत हो गई और 15 बच्चे घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा महेंद्रगढ़ जिले के कनीना कस्बे में हुआ। हादसे का शिकार हुई बस एक पब्लिक स्कूल की बस थी। हादसे में करीब 15 बच्चे घायल भी हुए हैं। घायलों को महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और रोहतक रेफर कर दिया गया है। हादसे को लेकर घोर लापरवाही के साथ साथ कई सवाल भी उठ रहे हैं। आज ईद के अवसर पर सरकारी अवकाश होने के बावजूद निजी स्कूल में छुट्टी क्यों नहीं थी? फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। हादसे पर शोक जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया है। साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता में जुटा है। गृहमंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख व्यक्त करते हुए एक्स पर पोस्ट किया, हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें यह दुख सहन करने की शक्ति दे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों की सहायता पहुंचाई जा रही है। मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।
ओलंपिक के इतिहास में पहली बार पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को इनामी राशि मिलेगी। एक ऐतिहासिक फैसले में वर्ल्ड एथलेटिक्स ने घोषणा की कि पेरिस ओलंपिक में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले हर एथलीट को $50,000 की इनामी राशि दी जाएगी। 1896 से शुरू हुए आधुनिक ओलंपिक खेलों में IOC द्वारा खिलाड़ियों को इनाम राशि नहीं दी जाती है। इस तरह से वर्ल्ड एथलेटिक्स के इस फैसले से इनाम राशि न देने की 128 साल की पुरानी ओलंपिक परंपरा अब टूट गई है। प्रतिभागियों और टीवी के दर्शकों के लिहाज से एथलेटिक्स ओलंपिक का सबसे बड़ा खेल है। 2028 में लॉस एंजलिस में होने वाले ओलंपिक से एथलेटिक्स में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी इनामी राशि दिए जाने की योजना है। इस बारे में विस्तृत जानकारी बाद में दी जाएगी। बार्सिलोना में चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में पेरिस सेंट जर्मन को 3-2 से अंतर से हरा दिया। बुधवार देर रात खेले गए रोमांचक मैच में दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। बार्सिलोना के लिए रफिन्या ने 2 गोल दागे, जबकि तीसरा गोल एंड्रियस क्रिंस्टन ने किया। वहीं PSG की ओर से उस्मान डेम्बेले और वितिन्या ने 48वें और 51वें मिनट में गोल दागा। चैंपियंस लीग में ही खेले गए एक अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबले में एटलेटिको मैड्रिको ने बोरुशिया डॉर्टमंड को हरा दिया। बुधवार की देर रात खेले गए पहले लेग के मैच को एटलेटिको मैड्रिड ने 2-1 के अंतर से अपने नाम किया। रोमांचक मुकाबले में एटलेटिको के लिए रोड्रिगो और डियास लाइनो ने 1-1 गोल दागे, वहीं बोरुशिया डॉर्टमंड के लिए सेबेस्टियन हेलर ने एकमात्र गोल किया। गोवा राष्ट्रीय खेलों में रजत पदक विजेता स्टीपल चेस खिलाड़ी मोहम्मद नूर हसन, विश्व क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप के प्रतिभागी हेमराज गुर्जर और अंजलि कुमारी को राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। नाडा ने इन तीनों खिलाड़ियों की प्रतिबंधित पदार्थों की जाँच में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद यह कदम उठाया है। IPL में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम आमने सामने होगी। मौजूदा टूर्नामेंट में दोनों टीमों का अब तक का सफर अच्छा नहीं रहा है। RCB की बात करें तो इस टीम ने अब तक 5 मैच खेले हैं, जिनमें से उसे 1 में जीत मिली है। वहीं मुंबई इंडियंस 4 में से 1 जीत अपने नाम करने में सफल रही है। आज होने वाले मुकाबले में दोनों टीमों की नज़र अपनी दूसरी जीत पर होगी। तो सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा को दीजिए अनुमति। देखते रहिए DD News। नमस्कार।